नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं RR कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ के बारे में जो आप अक्सर अपने मोबाइल में यूज करते हैं, अपने ऐप इंस्टॉल करते समय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है और सभी लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसमें ऐसे कई चीज़ होते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं और वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर से कई ऐसे ऐप आप इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से आपके डाटा जो होते हैं वो वहाँ से चुरा लिए जाते हैं या उसे उठा लिया जाता है, और उस कॉन्टैक्ट नंबर को वो ऐप इंस्टॉल को वो कंपनी अपने दूसरे कंपनी को शेयर कर देती है, जिसकी मदद से आपका डाटा लीक हो जाता है और वो अपने काम में इस्तेमाल करती है। जैसे कि कोई भी चीज़ आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं वो चीज़ वो जान जाती है और वो चीज़ आपको उस मोबाइल पे शो होने लगता है। तो आज हम इसी चीज़ के विषय में बात करेंगे, ये डाटा आपका कैसे चोरी होता है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आप जो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे ऐप इस्तेमाल करते हैं या जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एक जब ऐप या इंस्टॉल करते हैं या यूज़ करते हैं पहली बार, तो उसमें जब ओपन करते हैं तो उसमें एक अलाउ का ऑप्शन आता है जिसे आप बिना समझे बिना देखें उसे अलाउ कर देते हैं। उसका मैसेज नहीं पढ़ते वो किस विषय में बोल रहा है, जिसे आप अलाउ करते चले जाते हैं और वो आपका डाटा उस जगह कॉन्टैक्ट उसके बेसिक पे सेव होने लगता है। तो जो भी आप यूज करते हैं जो भी इस्तेमाल करते हैं उसका वो उसके कंटेंट में ऐड होने लगता है, जो कि आपका डाटा उस ऐप में इंस्टॉल हो जाता है। अब वो कंटेंट जो भी आपका वेबसाइट में जो भी आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ यूज करते हैं वो उसके डाटे में चले जाता है, जिसके हेल्प से वो आपका डाटा लीक कर देता है और आपकी हर जानकारी वो प्राप्त कर लेता है। तो हम इस विषय में बताएंगे कैसे ये आपको दिखाता है, तो ये अलाउ कैसे आप करते हैं, किस चीज़ पे करते हैं, सारा डिटेल आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम बताएंगे आपको इसकी से आप पैसा का लेन देन वगैरह कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चलिए मैं इसकी थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ आपको सेलेक्ट बोला है इंग्लिश, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। फिर उस पर जब सेकंड आप ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ देखिए लिख रहा है ऑल तेज टू सेंड एंड व्यू SMS। जो भी आपका SMS वगैरह आते हैं वो आप अगर अलाउ कर देते हैं बिना देखे बिना समझे, तो इस तरह कई तरह के ऐप होते हैं। जैसे तेज तो काफ़ी स्मार्ट ऐप है, तो ये आपका डाटा शेयर नहीं होगा क्योंकि ये गूगल का बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जिनमें ये ऑप्शन देते हैं जब उसे आप ओपन करते हैं, तो ये अलाउ का बटन जब आप बिना सोचे समझे कर देता है तो इससे क्या होता है, वो डाटा उसके ऐप में ऐड हो जाता है। तो जो भी आप मैसेज वगैरह सेंड करते हैं वो उसके डाटा में सेव हो जाता है, और वो कंपनी जो भी ऐप आप इंस्टॉल करके रखे हैं और उस पर अलाउ कर दिए तो वो डाटा दूसरी कंपनी को शेयर कर देता है और वो डाटा आपका लीक हो जाता है। तो आगे मैं बताता हूँ, अलाउ जैसे मैंने कर दिया उसके बाद देखिए अलाउ तेज टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, यानी जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका मोबाइल में है वो इस ऐप में ऐड हो जाएगा। जो भी आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है वो सारे इसमें ऐड हो जाएगा और ये डाटा तेज के पास चला जाता है, यानी गूगल के पास चला जाता है बहुत आसान तरीके से। तो जो ऐप बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट है, जो ज़्यादा लोग जानते हैं, जो आप जानते हैं कि ये आपका डाटा शेयर नहीं करेगा, तो ये चीज़ से ज़रूर आप उस ऐप को आप बहुत आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो आपको ऐप सेफ़ रखे, जो आपके डाटा को सेफ़ रखे, ना कि किसी चीज़ को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने अलाउ जैसे किया तो यहाँ आपका लिख रहा है अलाउ तेज टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। जो भी आपका एरिया है, जिस एरिया से आप रह रहे हैं, जहाँ आपका जगह है, उस एरिया का ये लोकेशन ट्रैक कर लेता है, और जो भी आपका लोकेशन है वो ट्रैक करके वो भी डाटा आपके उस कंपनी में चला जाता है जो आप जिस जगह पे हैं। तो इस अलाउ पे वो आपका ट्रैक कर लेगा कि आप किस जगह पे हैं। तो आगे आ चलती है बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका डाटा होता है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है ऐप में, और वो डाटा चाहे तो किसी को भी
चाहे तो किसी को भी वो बहुत आसानी से शेयर कर सकता है। अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि ये चीज़ कैसे आपको, अगर आपने अलाउ कर दिया है ये चीज़ से, आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी बता देते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐप में अपना अलाउ 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 कर दिया है, तो उससे बचने के लिए सिर्फ आपको एक ही उपाय है, आपका जो मोबाइल का ऐप सेटिंग होगा उस ऐप सेटिंग में आपको जाना है। तो चलिए आपको हम उस जगह ले चलते हैं जो मेरा सेटिंग है। मैं सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाके आप ऐप में जाइएगा, जो भी आपने इंस्टॉल किए ऐप वो इसमें आ जाता है। तो चलिए जैसे क्रोम है, क्रोम को मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा तो इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ देखिए एक स्टोरेज करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें जैसे ही जाएगा तो यहाँ आपका जो भी अलाउ का जो भी ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ शो हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने इसमें सिर्फ स्टोरेज का ही अलाउ किया हुआ है, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टेक्ट और कैमरा जो कि मेरा ऑफ है। तो जो भी मैं फ़ोटो या कॉन्टेक्ट नंबर या लोकेशन वो आप ट्रैक नहीं कर पाएगा वो, जैसे ही क्रोम के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए आके एक और ऐप के बारे में मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल कीजिए, जैसे कि मैंने अभी तेज का एक इस्तेमाल किया जिसमें मैंने अलाउ किया। अब मैं उस ऐप के बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया तेज में और उसके सारे बटन को मैंने अलाउ किया था। अब मैं इसके डिटेल में आपको दिखाता हूँ। तो उसी तरह आपको जाना है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको जाना है, जिसमें आपको दिखाई देगा जो मैंने SMS अलाउ किया था वो आपको ऑन हो गया। तो जो भी मेरे पे SMS आएगा वो तेज में वो आप उस डाटा में ऐड हो जाएगा। तो जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी ऑन है और लोकेशन ऑन है। तो जो भी ऐसे चीज़ रहेंगे तो ये आपको ये डाटा उस जगह पे शेयर हो जाएगा, उस ऐप में वो डाटा शेयर हो जाएगा, वो उसके वेबसाइट पर लिंक हो जाएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों ने अपने आप सभी लोगों ने देखा कि इस तरह से आपका अलाउ बटन कैसे ऑन हो जाता है, कैसे आप मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, इस गलती की वजह से आपका कोई भी चीज़ चोरी हो जाता है और वो दूसरे ऐप में लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको होती है। तो इससे बचने के लिए आप हर मैसेज को पढ़ें और कैसे इसका उपाय है ये मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए और हर चीज़ को बारीकी से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सभी गूगल प्ले स्टोर में सभी ऐप ख़राब होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आपके डाटा को सेफ़ रखते हैं, दूसरी जगह गलत जगह यूज नहीं करते, मगर फिर भी बचने के लिए आप इस चीज़ को मैसेज को पढ़ें कि आप ये सही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है, आप अलाउ करते हैं तो आपकी मर्ज़ी से होता है। तो इस पर जोर ध्यान दें। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन का सवाल आपसे पूछना हो या जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर संपर्क करें, हम आपको हर जगह को जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही इस चीज़ को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट वीडियो में।